हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम का। आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रू कॉलर की जगह पर काम करता है, तो यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ से बैक होने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ब्लॉक एंड नंबर्स का। ब्लॉक एंड नंबर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अनोन पे क्लिक करना है। अनोन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऐड ए नंबर का। ऐड ए नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग का। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सिलेक्टेड नंबर्स का। सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर अगर कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड करना चाहते हो तो चूज़ ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट। आप अपने यहाँ पर फ़ोन में कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वर्जन का। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में साउंड जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ से आपको साउंड देखने को मिल जाते हैं फ़ोन के। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको वॉइस मेल का। वॉइस मेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से उसको वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको फ्लिप टू साइलेंस का। आपको फ्लिप टू साइलेंस पे क्लिक करना है। आपको इसे ऑन करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।